सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर 2023-24 सेट नंबर फर्स्ट। आज की क्लास में हम 20 क्वेश्चन के साथ लगभग 100 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ कवर करेंगे, जो सभी आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस क्लास से आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस राज्य की पायल छाबड़ा देश की पहली महिला पैरा कमांडो बनी है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा राज्य की है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अब हरियाणा राज्य में कहां से है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हरियाणा के कैथल जिले की है ये, हरियाणा के कैथल जिले के कलायत नगर है, कलायत नगर की पायल छाबड़ा सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं में डॉक्टर रहते हुए प्रशिक्षित पैरा परीक्षा पास कर कमांडो बनने वाली महिला बनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में किस राज्य में स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत की गई? अब आपको ये भी पता होना चाहिए स्कूल ऑफ एमिनेंस होता क्या है और इसकी शुरुआत कहां पर की गई। राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर ए, पंजाब में, पंजाब के स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत की गई है। ये है ना, सरकार ने नौवीं कक्षा से लेकर ग्यारहवीं कक्षा में दाखिले करवाने की अपील की है इसमें। ठीक है, होता क्या है बच्चों, ये स्कूल ऑफ एमिनेंस अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण संस्थान है ये। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहां आयोजित हुआ? ये आपको बताना है, लाइट हाउस उत्सव कहां आयोजित हुआ। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। उद्घाटन किसने किया ये भी तो पता होना चाहिए ना, श्री सर्बानंद सोनेवाल और गोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत ने। फोर्ट कहां पे है ये भी पता होना चाहिए आपको, गोवा के पणजी में। फोर्ट का नाम याद रखना, फोर्ट एगुआ आड़ा लाइट हाउस में भारत के पहले लाइट हाउस फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका चार, भारत की पहली सोलर सिटी कौन बन गई है? क्वेश्चन नंबर चार का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सांची। भारत की ये सांची शहर है, सांची शहर किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, एमपी राज्य में है। मध्य प्रदेश को भारत का दिल भी कहा जाता है। ठीक है जी, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला है, रायसेन जिले में स्थित सांची शहर को देश का पहला सोलर सिटी घोषित किया गया है। यहाँ पर सारी चीज सोलर पैनल से ही चल रही है बच्चों, सरकारी अस्पताल हुए, रेलवे हुए, सड़कों पर जो आपकी स्ट्रीट लाइट होती है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, इंटरनेशनल एमी अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इंटरनेशनल एमी अवार्ड पाने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? क्वेश्चन नंबर पांच का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एकता कपूर। एकता कपूर एमी अवार्ड जीतने वाली भारत की पहली भारतीय महिला बनी। नाम याद रखना है आपको, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। वीरदास को कॉमेडी फिल्म वीरदास लैंडिंग के लिए एमी अवार्ड से नवाजा गया है, एक नाम आपको याद रखना है। चर्चित हॉलीवुड एक्टर मार्टिन फ्रीमैन को फिल्म का नाम याद रखना रिस्पोंडर के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड से नवाजा गया है। तीन क्वेश्चन बनते हैं, तीन नाम आपको याद रखने हैं यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, काजी फैज ईसा किस देश के 29वीं मुख्य न्यायाधीश बनी है? क्वेश्चन नंबर छह का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान की है जी ये। कितने वर्षीय है ये? 63 वर्षीय है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन, किस भारतीय एयरलाइंस ने प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत की? प्रोजेक्ट अभिनंदन किससे संबंधित है ये भी पूछा जा सकता है, और कौन सी एयरलाइन ने की है ये भी पूछा जा सकता है। यदि ये पूछा जाता है प्रोजेक्ट अभिनंदन किससे संबंधित है, तो ये हवाई जहाज में बहुत बेहतरीन सुविधा देने के लिए इन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं। ठीक है, कौन सी एयरलाइन ने किया है? क्वेश्चन नंबर सात का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एयर इंडिया ने प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत की। इसका उद्देश्य क्या है? यात्रियों को व्यक्तिगत और परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करना है। अब बात आई है यहां से एयरलाइन की। एयरलाइन की स्थापना कब हुई थी बच्चों? एयर इंडिया की स्थापना हुई थी 1932 टाटा एयरलाइंस के रूप में हुई थी। क्लियर है जी। इसका जो केंद्र है छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है प्राथमिक केंद्र इसका, इतना भी आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आठ, किस देश ने आधिकारिक तौर पर रूस के वेगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? क्वेश्चन नंबर आठ का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन, किस रोग से पीड़ित मरीजों के लिए प्रतिवर्ष 22 सितंबर को दुनिया भर में विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? ध्यान रखना, रोज डे नहीं है ये, विश्व गुलाब दिवस है। ठीक है,
किस बीमारी से संबंधित मरीजों के लिए है? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैंसर। ठीक है जी, कैंसर, कैंसर से जूझ रहे मरीजों के लिए ना जिंदगी में खुशियां लाने के मकसद से 22 सितंबर को वर्ल्ड रोज डे, ठीक है, मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 21 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व अल्जाइमर दिवस की थीम क्या रही? अब आपको ये पता होना चाहिए, 21 सितंबर को एक अन्य दिवस भी मनाया जाता है, वो कौन सा है और इसकी थीम का पता होना चाहिए आपको। दो क्वेश्चन बनते हैं यहां से। बात करें 21 सितंबर को दूसरा दिवस कौन सा मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। क्लियर है जी, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। अब बात है अल्जाइमर दिवस की थीम के बारे में बात करते हैं, इसकी थीम क्या है बच्चों? इसकी थीम आपकी है, राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी, नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? कभी भी जल्दी नहीं कभी बहुत देर नहीं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि दिवस और थीम वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पेन ने। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कितनी टीम थी, प्रथम नंबर पर कौन है, उपविजेता कौन है। ठीक है जी, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट कवर कराता हूँ। स्पेन की टीम ने ना महिला फीफा विश्व कप जीतने वाली पांचवी टीम बनी है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कौन से नंबर की टीम बनी है, पांचवी स्पेन की। ठीक है जी, इससे पहले अमेरिका ने यह खिताब चार बार। ठीक है जी, जर्मनी ने दो बार। ठीक है जी, नॉर्वे और जापान ने एक एक बार ये महिला फीफा विश्व कप का खिताब जीता है। यह स्पेन का इस टूर्नामेंट में पहला मेडल है। ठीक है जी, अब यहां से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं फीफा महिला विश्व कप से, वो मैं आपको कवर करा देता हूँ। मेजबान देश कौन कौन से थे? दो थे, एक आपका ऑस्ट्रेलिया था और एक आपका न्यूजीलैंड था। क्लियर है जी, कुल टीमें कितनी थी? 32 टीमें थी। ठीक है जी, छह परिसंघों में डिवाइड थी। ठीक है, खेल स्थल कितने थे आपके? टोटल 10 थे। विजेता कौन है? विजेता ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, स्पेन है। और उपविजेता कौन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड। ये भी पूछा जा सकता है, विजेता स्पेन, उपविजेता या किसको हराकर स्पेन जीता है बच्चों? इंग्लैंड को हराकर जीता है। ठीक है जी, खेले गए कुल मैच, टोटल मैच कितने खेले गए इसमें? 64 मैच खेले गए हैं। क्लियर है, यहां से चार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए शीर्ष गोलकीपर कौन ना, सिर्फ गोल करने वाला कौन है बच्चों? हिनाता मियाजवा, 5 गोल किए। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है? सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का नाम है एताना बोनमती। सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी की बात करें, सलमा पेरालुएला। ठीक है जी, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर की बात करें, मेरी ईरपस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कमल के फूल के नई किस्म नमो 108 को किस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने विकसित किया है? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने यह विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, किस भारतीय मूल के नेता ने सिंगापुर में राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्वालिफाई किया? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थर्मन सनमुगरत्नम। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी में 16वें, ध्यान रखना यहां पर 15वें का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में कौन सी रैंक हासिल की? बात करें सबसे पहले मैं 15 की बात करता हूँ, 15 में तीसरा स्थान था। यदि बात एग्जाम में आपसे 16वें की पूछी, 16वें में कौन सा स्थान है? 16वें में दूसरा स्थान है। ठीक है जी, 15वें में तीसरा था, 16वें में दूसरा स्थान है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, 15 अगस्त 2023 को भारत में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? गणतंत्रता दिवस भी पता होना चाहिए, स्वतंत्रता दिवस भी पता होना चाहिए 2024 के अकॉर्डिंग आपको। ठीक है, 23 के अकॉर्डिंग स्वतंत्रता दिवस और आपका 24 के अकॉर्डिंग गणतंत्रता दिवस, यहां से क्वेश्चन गलत होने के चांस बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 77वां। 15 अगस्त 2023 को 77वें नंबर का मनाया गया था। वहीं पर बात करें 26 जनवरी को कौन सा गणतंत्रता दिवस मनाया है? 75वें नंबर का। क्लियर है। बात करें स्वतंत्रता दिवस आपका 77वें नंबर का और 75वें नंबर का आपका क्या है? गणतंत्रता दिवस। और इसमें 26 जनवरी को मुख्य अतिथि का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को वर्ष 2024 के मुख्य अतिथि के रूप में चयनित किया था या रही थी, ऐसा भी बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज ADCX लॉन्च किया गया?
क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में किस हॉकी टीम ने मेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी भारत राइट आंसर हो जाएगा। यहां से और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, भारत महिला हॉकी टीम ने एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी खिताब जीत लिया। ठीक है, भारत महिला टीम ने ना फाइनल मुकाबले में जापान को हराया था। किसको हराया था? जापान को 4-0 से हराकर ये खिताब जीता है। फाइनल मैच में मुख्य अतिथि कौन थे? विमेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी भारत जापान के बीच जो खेला गया था ना, इसके मुख्य अतिथि थे हेमंत सोरेन। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट उद्गम पोर्टल, या ऐसे पूछा जा सकता है कि उद्गम पोर्टल किससे संबंधित है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में किस भारतीय धाविका को डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन किया गया है? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिंकी चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एयरटेल पेमेंट्स बैंक। ये टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज के सेट नंबर फर्स्ट यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।